हेलो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ौदा बैंक का एटीएम में हम आए थे। तो क्या हो गया था, हमारा कार्ड जो है यहाँ पे अटक गया था, यहाँ पे मतलब अटक गया था लगभग टोटली। जब भी ये बटन ऑपरेट कर रहे थे कुछ भी नहीं हो रहा था, ये वाले बटन्स भी वर्क नहीं हो रहे थे, कार्ड अटक गया था। इसको खींचे तो भी यानी कि डैमेज यानी कि टूट के निकल सकता था कट होके। तो इसलिए हमने क्या किया, आपको इस सिचुएशन में क्या करना है वही बताऊंगा। मैंने क्या किया, दबा दबा के सारे बटन दबाने लगा, दबा के पकड़ने लगा। दोस्तों अच्छे से दबा के पकड़िए, आपको दबाना आना चाहिए ये बटन, अच्छे से इसको दबाइए, ये वाले बटन भी दबाइए। तो क्या हो गया, पूरा सिस्टम जो है रिबूट होने लगा यानी कि बंद होकर स्टार्ट होने लगा। जब पूरा बंद हो गया तो उसने जो है मशीन ने यहाँ पे इसको इसे लॉक किया रहता है, जैसे कि अंदर से इस तरीके से कार्ड को इस तरीके से पकड़ लिया रहता है दोस्तों, उसने छोड़ दिया। तब क्या है, मैंने निकाल लिया कार्ड को दोस्तों। इस तरीके से आप जो है कार्ड को आपके अटक जाने पर एटीएम मशीन में निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं था और आप देख सकते हैं ये बूट हो रहा है, यानी कि अभी सभी का सभी टोटल लोड हो रहा है, बहुत देर ले रहा है। हम इसीलिए रुके हैं कि अगर एक इसका ट्रांजेक्शन ऑन रहा, इधर से हमारा पैसा निकल गया, कोई दूसरा लेके जाएगा, इसीलिए हम अभी यहाँ पे थोड़ा देर रुके हैं। लेकिन ये बहुत देर ले रहा है, कम से कम अभी 15 मिनट हो गया, इसीलिए रुके हैं। ये देखिए, ये बड़ौदा का बड़ौदा तो बैंक तो अच्छी है दोस्तों, ये कंपनी का यानी कि ये डाइबोल्ड करके जो कंपनी है, इसका एटीएम ठीक नहीं है, इतना तो पता लग गया मेरे को। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ भी सवाल हो तो नीचे बकवास नहीं कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना, धन्यवाद।